पाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को जो भी सीख के जाते हैं उस पर अपने पंचायतों में किसी भी प्रकार से, हर एक पंचायत का स्थिति अलग है, तो वहाँ पे आप किस प्रकार से इसको करेंगे मैं वो आपके बुद्धिमत्ता पे छोड़ता हूँ, आपके ग्राम सभा और आपके वहाँ पे जो स्थानीय शासन है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर जरूर आगे बढ़ाएं। और उस पर बढ़ाने में आपको जो मदद चाहिए तो आप हमें बताएं, आपको हम मदद भी देने को प्रस्तुत हैं कि अगर आप हमें ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, चाहे कुछ करेंगे, कुछ अगर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था रहेगी तो भी हम आपको फैसिलिटेट करवाएंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे जरूर करें इसको। दूसरा है कि आपके जो स्थानीय शासन है उनसे कॉन्टैक्ट रख में रहें, आपके जो स्थानीय SIRD है, NIRD है, उससे भी जरूर आप हेल्प लें, आपके जो बहुत सारे लोकल NGO हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे लोकल जो कि गैर सरकारी हैं, उनको भी आप अपने कार्यों में इन्वॉल्व करें, आपके जो यूनिसेफ हैं, UNDP हैं, तो ऐसे किसी भी संस्था से हेल्प लेने में आप पीछे ना हटें, सरकारी हो गैर सरकारी हो, लेकिन आपको अगर काम कराना है तो किसी से भी काम करें। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग टाइम टू टाइम एक्सपोजर विजिट पे भी जाएं, आप लोग खुद अपने तरफ से विभिन्न राज्यों में भी जाकर देखें कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, उनसे सीखें, क्योंकि हम जितना हम सीखेंगे काम को उतना अच्छा हम बढ़ा पाएंगे। किसी भी, देखिए एक चीज़ आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, किसी के पास भी किसी समस्या का ब्लूप्रिंट नहीं होता है, वो न हम आपको किसी समस्या का समाधान बता पाएंगे, न राज्य सरकार आपको बता पाएगी, आप काम करेंगे, गलती करेंगे, सीखेंगे, सुधार होगा, लेकिन जब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे तो कभी सुधार ही नहीं होगा। आपको एक पहली स्टेप लेनी पड़ेगी, गलती होगी तो ठीक है, फिर सीखेंगे, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको सामूहिक रूप से करना है। और हम अभी शुरुआत करेंगे तो पूर्ण विश्वास है कि हम 2030 तक जो भी हमारे गोल हैं, SDG गोल हो चाहे जो भी हो, हम अपने गाँव को निश्चित ही कर अच्छे सभी क्षेत्र में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई हो, महिलाओं